रिश्ता हम जानते हैं, लेकिन हम माटी का रिश्ता हम बताने के लिए आए कि ये माटी का रिश्ता है। और माटी आज ये भूख माटी, जिस माटी को हमने मां कहा है, और देखना यही वो यमुना का पथ है जिस पथ पर गुरु और गोविंद चले। ये वही यमुना के पथ है जहां सिर्फ जीवन ही नहीं मिलता, परमात्मा और ईश्वर भी प्रत्यक्ष मिल जाता है। परमात्मा ईश्वर मिला, जीवन तो मिला, भगवान भी मिले। ये वही पथ है जो जीवन को दिशा देता है, और ये वही पथ है जो हर एक दशा में सुधार करता है। लेकिन आज चिंतन करना पड़ेगा कि दशा गांव की धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, यमुना का आंचल खिसकता चला जा रहा है। गांव नहीं खिसके, मैया ही हमसे दूर होती जा रही। कारण, उसके पीछे कारण कि मां हमसे दूर क्यों और कटाव क्यों होता है, कारण जो गुरु का, गोविंद का जो स्वरूप है, हमारी व्यवस्था है कि हमने वृक्ष को गोविंद का स्वरूप माना है, वृक्ष को प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप, और इन पेड़ पौधों को देवता के रूप में, नारायण के रूप में। नारायण ने खुद कहा, गोविंद खुद कहता है, वृक्ष मेरा स्वरूप है, वृक्ष में प्रत्यक्ष वो नारायण है।